आज का ये हमारा सम्मेलन भी इस प्रकार का सम्मेलन बहुत वर्षों के बाद है और पूरे पूर्वोत्तर से लगभग सभी परंपराएं यहां पर इकट्ठा ही है। ये इसलिए ये भी एक आज के समय का मणिकांचन ऐसा हम सबकी धारणा है। हम सब लोग अलग अलग परंपराओं के उपासक वाहक ये सब होने के बाद भी एक सनातन प्रवाह में चलते हैं। हमारे भारतवर्ष में जितने विचार निकले हैं वो सब दर्शन अलग अलग है, रीति नीति अलग अलग है, परंतु उनकी समान बात यह है कि वो सब लोग ये विश्वास करते हैं कि अपने अपने रास्ते से चलने पर हम सब लोग एक ही जगह पहुंचने वाले हैं। हमारे यहां रास्ते अनेक हैं, लेकिन हम सब एक परंपरा के लोग हैं। हमारे देश में सब अनेक है, लेकिन देश हमारा एक है, राष्ट्र हमारा एक है, संप्रदाय हमारे रास्ते अनेक है। जिसको हम धर्म कहते हैं वो सबका एक है, वो मानव धर्म ही है, वो सनातन धर्म ही है। तो आवश्यकता है कि हमारा समाज भी अपनी विविधताओं को संभाल कर एकजुट होकर चले और एकजुट होकर समस्याओं का हल करें। ये उसका मन बनाना, उसको एकजुट करना, उसको ज्ञान देना, धर्म क्या है, धर्म क्या है, वो ज्ञान नहीं है। अंग्रेजों की गुलामी में उन्होंने हम इस ज्ञान को भूल जाए इसका बहुत प्रयास किया, उसके परिणाम है समाज पर। इसलिए पहले जैसी हमारी क्षमता थी, उचित क्या है अनुचित क्या है इसका विवेक हम कर सकते थे, वो क्षमता समाज की रही नहीं। वो क्षमता फिर से उसमें उत्पन्न करना, अपना स्वार्थ छोड़ के समाज के लिए वो भी प्रयास करे, ये गुण उसमें उत्पन्न करना, तरह तरह की जटिल समस्याओं में रास्ता क्या है इसके बारे में मिलकर वो विचार करे, हम भी उस विचार में रहेंगे और सब मिलकर कुछ तय करके रास्ता निकाले, ऐसी एक समाज की संगठित शक्ति खड़ी करना। आज का यह हमारा सम्मेलन भी इस प्रकार का सम्मेलन बहुत वर्षों के बाद है और पूरे पूर्वोत्तर से लगभग सभी परंपराएं यहां पर इकट्ठा ही है। ये इसलिए ये भी एक आज के समय का मणिकांचन ऐसा हम सबकी धारणा है। हम सब लोग अलग अलग परंपराओं के उपासक वाहक ये सब होने के बाद भी एक सनातन प्रवाह में चलते हैं। हमारे भारतवर्ष में जितने विचार निकले हैं वो सब दर्शन अलग अलग है, रीति नीति अलग अलग है, परंतु उनकी समान बात यह है कि वो सब लोग ये विश्वास करते हैं कि अपने अपने रास्ते से चलने पर हम सब लोग एक ही जगह पहुंचने वाले हैं। हमारे यहां रास्ते अनेक हैं, लेकिन हम सब एक परंपरा के लोग हैं। हमारे देश में सब अनेक है, लेकिन देश हमारा एक है, राष्ट्र हमारा एक है, संप्रदाय हमारे रास्ते अनेक है। जिसको हम धर्म कहते हैं वो सबका एक है, वो मानव धर्म ही है, वो सनातन धर्म ही है। तो आवश्यकता है कि हमारा समाज भी अपनी विविधताओं को संभाल कर एकजुट होकर चले और एकजुट होकर समस्याओं का हल करे। ये उसका मन बनाना, उसको एकजुट करना, उसको ज्ञान देना, धर्म क्या है, धर्म क्या है, वो ज्ञान नहीं है। अंग्रेजों की गुलामी में उन्होंने हम इस ज्ञान को भूल जाए इसका बहुत प्रयास किया, उसके परिणाम है समाज पर। इसलिए
पहले जैसी हमारी क्षमता थी, उचित क्या है अनुचित क्या है इसका विवेक हम कर सकते थे, वो क्षमता समाज की रही नहीं। वो क्षमता फिर से उसमें उत्पन्न करना, अपना स्वार्थ छोड़ के समाज के लिए वो भी प्रयास करे, ये गुण उसमें उत्पन्न करना, तरह तरह की जटिल समस्याओं में रास्ता क्या है इसके बारे में मिलकर वो विचार करे, हम भी उस विचार में रहेंगे और सब मिलकर कुछ तय करके रास्ता निकाले, ऐसी एक समाज की संगठित शक्ति खड़ी करना।